सभी बहनों और उनके भाइयों को. हाय, दिस इज दिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अन वेरी अमेजिंग एक्सक्लूसिव एंड क्रिएटिव शो ऑफ पीसीएन न्यूज नोन एज यूट्यूबर्स स्पेशल, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट स्वाद अनुसार. वेल, अभी मेरे बाजू में जो लड़का बैठा है वो भले ही देखने से साधा सिंपल भोला भाला दिखता होगा यार, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है. और ये इसके YouTube के जितने भी वीडियोस है ना, उससे पूरा क्लियर हो जा रहा है कि ये बिल्कुल जैसा दिखता है वैसा नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी व्यूअर्स है BCN के, उनको अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में पूरी जानकारी बताओ. जी नमस्ते, मेरा नाम पराग मालवीय है और मैं पढ़ाई के साथ में YouTube भी करता हूँ और YouTube पे अपना लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करता हूँ मैं. तो लाइफ में जो भी होता है, मतलब दिन भर में जो भी होता है, मैं वो उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता हूँ. और बहुत मतलब थैंकफुल हूँ मैं कि लोग देखते हैं और पसंद करते हैं उस चीज़ को. मैं बस यही करता हूँ और कुछ नहीं. ओके, अनुराग, आपने आपके एक व्लॉग में कहा था कि मैं यूट्यूबर्स का इंटरव्यू लूंगा तब मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा, अगर आपको याद आ रहा होगा. तो कैसा लग रहा है आज आपका खुद एक यूट्यूबर होने के नाते आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसी फीलिंग है? जी मैं ना मतलब जब मैंने शुरू किया था तब मैं लोगों को देखता था, मतलब जो भी व्लॉगर्स हैं मुंबई के, दिल्ली के, उनको देखता था. तो उनसे मतलब लगता था वो भी इंटरव्यू वगैरह देते थे टीवी पे या कोई और शो पे, तो मुझे लगता था कि मेरा कब टाइम आएगा. और आज वो दिन है, मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है और उसकी वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली है. कंटेंट से एक बात याद आई पराग कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आपके कंटेंट बहुत अच्छे रहते हैं तब लोग आपकी कॉपी करते हैं. तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार आपके कंटेंट अच्छे और लोगों ने वो कॉपी किया और उसके बाद उन्होंने इतना वाहियात कॉपी किया हो कि आपको लगा यार नहीं, ये बहुत खराब हो रहा है मेरे साथ? जी सही कहा, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो मतलब जैसा वीडियो मैंने बनाया सेम टू सेम उठा के वही डाल देते हैं यूट्यूब पे. और मेरे को देख के बहुत बुरा लगता, मतलब खुद मेहनत करेंगे नहीं और दूसरे के मेहनत जो है उस पे व्यूज या वो है वो लेंगे, मतलब नहीं है उसका. क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे तो वैसा कुछ काम नहीं करेगा. आपका अपना पर्सनालिटी जो रहता है ना वो बहुत अच्छा ग्रो करता है लाइफ में, लॉन्ग टर्म में. ओके, पराग, पीएम के व्लॉग्स, ये नाम आपको कहाँ से सजेस्ट हुआ, मतलब लाइक कहाँ से इसका इजाद किया आपने? जी इसका आंसर बहुत सिंपल है. मेरा नाम है पराग मालवी, ठीक है, पीएम उसका. okay. और फिर के मतलब पराग मालवी के व्लॉग्स. ओके okay. ऐसा इसका ये कॉन्सेप्ट है. ओके okay, मतलब ये कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट वीडियो से लेके, फर्स्ट सब्सक्राइबर से लेके 2.29 के ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर, कैसी जर्नी थी, क्या क्या हुआ, सब जानना चाहती हूँ मैं. मतलब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली स्ट्रगल रहता है, वो कोई भी फील्ड में जाओ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. आप पढ़ाई कर रहे हो तो टेंशन आता है कि एग्जाम्स क्या आएगा, एंड वही एक टाइप का स्ट्रगल ही है और स्ट्रगल रहता है. स्टार्टिंग में मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मेरा दोस्त है शिवेन, उसके फ़ोन से व्लॉग बना था. मैं मम्मी मेरे को अलाउ नहीं करती थी कि फ़ोन बाहर लेके जा, घर में यूज़ करना कर, लेकिन बाहर में अपने दोस्तों के इससे करता था. मेरे और मैं मतलब प्राउड है कि मुझे ऐसे दोस्त मिले जो हर बार हेल्प करते हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव है. मतलब हर एक, ऐसा नहीं कि एक गिने चुने, ऑलमोस्ट हर. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में बस दोस्तों से वीडियो मीन्स वीडियो बनाना था तो मैं फ़ोन लेता था. और शिवेन नाम है, फिर बहुत सारे देवांशु है, सब ने ऑलमोस्ट सब ने मदद की है, तो उनसे फ़ोन लेके मैं बनाता था. और स्टार्टिंग में ना मेरे को बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. okay. बोलना नहीं होता था, मतलब कैमरा का डर रहता है एक okay. अंदर की क्या बोल देंगे कुछ उल्टा ना निकल जाए, या और फिर जी तो कुछ उल्टा ना निकल जाए और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसका भी एक रहता है कि क्या क्या बोलना है. तो मैं स्टार्टिंग में नहीं क्या पूरा लिखता था, मतलब पॉइंट्स लिखता था कि क्या मुझे बोलना है वीडियो में, किस बारे में वीडियो रहेंगी वो भी रहता था. और वो सोचने में थोड़ा लगता था टाइम. तो वैसे ही मेरे वीडियोस जो रहते थे पहले, मैं बनाता था एक हफ्ते में एक वीडियो ऐसा, तो महीने में चार हो जाते थे, चार या पाँच ऐसा कुछ. और अभी भी है, मतलब अभी मेरे बोर्ड्स है, 12th में हूँ, तो थोड़ा अभी पढ़ाई के वक्त तो मुझे थोड़ा लगता है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा रुका हूँ. मतलब अभी ये जैसे ही एग्ज़ाम्स होते हैं मेरे, ऑब्वियसली मैं रोज़ कंटेंट डालना शुरू करूँगा. क्योंकि मैं अभी मैंने कुछ सीखा था YouTube से ही सीखा है, जो भी सीखा है. okay. और YouTube से ये सीखा था कि मतलब कोई एक यूट्यूबर का इंटरव्यू देखा था तो वो बताए थे कि जितना आप कंटेंट डालोगे उतना आप उतना जो YouTube रहता है उसका एल्गोरिदम रहता है उतना और शेयर करता है आपकी वीडियो को.
तो वो मेरे माइंड में एक है कि मतलब वीडियो डालते रहना, चाहे व्यूज आए या ना आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता पर वीडियो डालना है। हाँ, है वीडियो क्योंकि डालना है। कॉन्स्टेंसी चाहिए हमको, हाँ कंटिन्यूअस चाहिए वो। हाँ जी ओके, पर आप वीडियोस डालते हो यूट्यूब पे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं आपके, इसके साथ आप हो 12th में, जी तो मतलब क्या आधे से ज्यादा समय पढ़ाई में निकलता है या आधे से ज्यादा समय सिर्फ आप वीडियोस बनाने में निकाल देते हो? जी एक्चुअली मैंने ना यूट्यूब की जो जर्नी है मेरी स्टार्ट बहुत गलत टाइम पे की है मतलब पहले ही बिकॉज बोल दिया भाई मैंने गलत टाइम पे हाँ स्टार्ट करी, बहुत गलत टाइम क्लियर। पे, सही है। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 11th में था और आधा 11th हो गया था तब स्टार्ट किया था, और मैंने शुरुआत गलत टाइम पे इसलिए मतलब मैं बोला क्योंकि ना प्रॉब्लम ये होता है कि आप पढ़ाई का जो ध्यान रहता है, जो रहना चाहिए ट्वेल्थ हाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो हट जाता है। वो अच्छा गलती की है मैंने, और मैं अभी पापा मम्मी देखेंगे तो थोड़ा डांटेंगे मेरे को घर जाके ये क्यों बोला, लेकिन हाँ जो है सच है। और ये गलत टाइम पे इसलिए किया क्योंकि पढ़ाई से मन उग जाता है। अब आप कुछ सपोज आप जॉब करते हो तो आधा ध्यान जॉब पे भी रहता है, आधा मतलब पढ़ाई नहीं होती ना, समझ सकते हो, अब भावनाओं समझ गई मैं आपकी को भावनाओं समझो वैसा है। तो अगर सही टाइम बताऊँ ना तो रहना चाहिए 12th के बाद ही, को। नहीं तो अगर उससे भी अगर पहले करना है तो 8, 9, 10th अच्छा जितना जल्दी हो सके उतना करो, तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा ओके, जो भी। हाँ हो पराग पढ़ाई आप कर रहे हो तो क्या बनना है आगे जाके, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके? हाँ मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। पहले बहुत कुछ मैं बोला था इंजीनियरिंग करूँगा, इंजीनियर बनेंगे सॉफ्टवेयर का, मैं बोला नहीं वो नहीं हो पाएगा मुझसे अच्छा, पढ़ने ये इंजीनियर क्यों? क्योंकि सब इंजीनियरिंग सब करते हैं तो इंजीनियर। अपन भी हाँ इंजीनियर सेम सेम, बनेगा मेरे घर में सब इंजीनियर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ये हटाओ, मेरे को क्या मेरा क्या अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो ओके मैं सिनेमेटोग्राफी कर सकता हूँ, मैं फोटोग्राफी कर सकता हूँ, और ये मेरा है मतलब मेरे को फ्यूचर में ही करना है। ओके ट्रैवल सिनेमेटोग्राफर बनना है मुझे, फिर फोटोग्राफर है, फिर मैं इसी के हिसाब से मतलब जो अपना ये रहता है अफिलेट मार्केटिंग आप सुने होंगे, तो यूट्यूब से ही अफिलेट करता हूँ मैं, तो उससे भी ओके थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है ओके अभी, मतलब कम होता है लेकिन हो जाता है। और ये सब है प्लान्स, और मुझे पूरा दुनिया घूमना है, मींस ओ हो, हाँ पूरा एक्सप्लोर करना, मतलब एक्सप्लोर जितनी करना चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो है। वो पूरी हाँ करनी है। अब आप अभी 12th में, मतलब साइंस आपने लिया है, जी तो ये हर साइंस वाला बोलता है कि एक बार आपने साइंस ले लिया तो भले ही आपने वो चूज खुद किया हो पर उसके बाद साइंस आपकी लेता है, जी ये सही क्या है कहना चाहोगे इस पे? कैसा ये सही लगता है आपको जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री करते हो, तो कैसी फीलिंग आती है? मेरे को ना ये 10th में भी बहुत प्रॉब्लम दिया था फिजिक्स वगैरह, जो न्यूमेरिकल स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स है था, वो मुझे बहुत प्रॉब्लम, मुझे नहीं जमता है, ओके क्लियर कट है मुझे नहीं जमता है घर पे देख रहे सब देखने तो आप क्या बोल घर पे मैं, देख रहे हैं, जो मतलब है क्लियर सच है है सब अभी। क्लियर है इसके तो बाद जब ये टेलीकास्ट होगा तब घर पे और मजा आएगी उसका मैं रिएक्शन उसका वीडियो उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा बनेगा जिसको हम सब पहले से प्रमोट कर देते हैं कि भाई पराग ऐसा वीडियो बनाने वाला है, आप अभी से उसको सब्सक्राइब करना, मतलब देखते रहना इसके चैनल को। जी सही बात है। तो मैं ये पूछ रही थी कि साइंस जब आप लेते हो हाँ तो वो जो कहते हैं ना कि एक बार साइंस आपने ले लिया हाँ उसके हाँ बाद साइंस हाँ आपकी लेता है, हाँ तो क्या कहना चाहोगे आप इस पे? तो वही है जिसको साइंस, मैं आर्ट्स आर्ट्स का सोचा मैंने जब मैंने ले लिया था, एडमिशन भी कर लिया, और फिर मैं पापा को बोलता हूँ कि पापा मुझे ये साइंस नहीं, फिर पापा बोले तू जिसमें अभी वही करेगा, अभी तो अभी मैं वही चेंज नहीं करना कर रहा, अभी पड़ेगा फीस वीस सब भर दी, अब मैं नहीं कर रहा। तो वही है, मुझे आर्ट्स लेना था, बाद में पता चला, अभी पहले तो सब है जान दे जो हो रहा है फ्रेंड्स जान दे, जहाँ जा रहे हाँ हम भी जहाँ वही जा रहे वैसे जाएंगे। जाएंगे, तो वही है, लेकिन साइंस सबकी लेता है ये तो सही बात है वो। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि आपने आपके जितने भी वीडियोस बनाए हैं जी उसमें एंगल काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है, तो क्या हाँ ट्रिग्नोमेट्री का एंगल भी आपके लिए इतना इजी होता है? नहीं, जब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना होता है तो क्या वो एंगल और जब आप वीडियो का एंगल लेते हो कितना डिफरेंस आता है आपको? पढ़ाई वाला एंगल जो है वो मेरे को पहले से नहीं जमता, अब ये जो वीडियो वाला जो एंगल है वो मेरे को, मैं बहुत सारे लोगों से सीखा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर है जो मतलब व्लॉगिंग में टॉप कर रहे हैं अभी, ओके MSK है, कैसी नेस्टेड है, मुंबई का निखिल है, बहुत सारे ऐसे जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और स्पेशली मैं कैसी नेस्टेट को फॉलो करता हूँ क्योंकि वो यहाँ के नहीं है, इंडिया के नहीं है, वो न्यूयॉर्क के, तो ओके उनके उनकी जो स्टाइल है
उसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अपना जो स्टाइल है उसमें मिक्स करूँ और ओके उससे कंटेंट बनाऊँ। तो वही है, मतलब जो नए नए एंगल का वो आप जो बोल रहे हो वो कॉन्सेप्ट उनसे लिया वाला है, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के एंड ऑल उसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ अपने ओके हिसाब से ओके वैसा करता क्रिएटिविटी हूँ मैं। ऑब्वियसली. हाँ, आपके एक हम वीडियोस में देखते हैं कि आपके वीडियोस में जादू भी होता है, जादू। जादू हाँ, जिससे एडिटिंग आप एडिटिंग कहते थे ना। हाँ इतने इतनी अच्छी जी। एडिटिंग करते हो, तो कहाँ से सीखा ये वाला जादू एडिटिंग करने का? ये भी यूट्यूब से सीखा है मैंने, कोई कोर्स वोर्स कुछ लगाया नहीं है, जो भी सीखा है मैंने यूट्यूब से सीखा है। और जो बोलने का स्टाइल रहता है वो ओके अपने आप बना है, ओके मैंने मतलब अपने आप पे काम किया है जैसा रिस्पांस जी। आया, जो हाँ लोगों ने फीडबैक दिया उसके हाँ हिसाब से. और लोग इतने अच्छे हैं, मतलब मैं अपनी जो भी मेरी जो भी मेरे को सब्सक्राइब करते हैं मैं उनको पीएम केएनस बोलता हूँ, और पीएम केएनस बहुत प्यारे हैं, मतलब जो मुझे मैं जो बोलता हूँ ना वो करते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ क्या कुछ कमी है क्या एंड ऑल, तो वो कमेंट्स में बताते भी है, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि जो भी किया है वो बता देते हैं, मतलब जो। तो आपका जो पहला वीडियो था, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली पहला वीडियो हर चीज, पहली पहली गर्लफ्रेंड हो, पहली पहली कोई भी चीज, हाँ, तो वो हमारे लिए काफी स्पेशल होती स्पेशल है. होती है या तो पहला वीडियो आपके लिए कितना स्पेशल था? मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल था। अभी 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 उस पर व्यूज़ आना शुरू हुआ है, पहले नहीं, क्या उस पर कुछ भी नहीं था, मतलब 15 20 25 उससे आगे कुछ नहीं था। और उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो वीडियो बनाने का, वो ये है, मैं चाहता था, देखो मेरे को स्टार्टिंग से ही एरोप्लेन कैसे काम करता है एंड ऑल उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि सोचा था कि कैसे क्या एयरपोर्ट में कैसे क्या काम होता है एंड ऑल उसका ही वो सब वीडियो बना के, और बहुत लोग देखते हैं एयरपोर्ट कैसे क्या काम करता है क्या स्टाफ ऑब्वियसली वो रहता है, तो उसका मैंने सोचा कॉन्सेप्ट था कि ऐसे ऐसे बोलूँगा, ये जगह दिखानी है मेरे को, और फिर वैसा वीडियो बना दिया। मतलब मैं सोचता हूँ पहले कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा लिखता हूँ, पॉइंट्स लिखता हूँ कि क्या 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 आप बोल सकते हो वीडियो में, और क्या क्या मीन्स क्या क्या क्रिएटिविटी डाल सकते हो एडिटिंग के थ्रू या बोलने का स्टाइल जो भी है उसके हिसाब से, वैसा कॉन्सेप्ट है उसके आपका एक वीडियो था शी जी प्रपोज्ड मी, तो जी ये वीडियो देखने के बाद, मतलब जो हमने देखा था कि भाई शी प्रपोज्ड मी, यही देख के ऑलमोस्ट लोगों ने वो वीडियो स्टार्ट किया, पर एंड तक उस बंदी ने आपको प्रपोज नहीं किया. मतलब नहीं, क्या, क्यों क्यों आपने ऐसा लोगों में संभ्रम फैलाया, जानना चाहते हैं एक्चुअली हम. जी वो आप जैसे ही बोल रहे हैं उसने प्रपोज किया नहीं है वो वीडियो में। हाँ, वो मैं मानता हूँ वो मैंने क्लिक बेट किया है, ठीक है, क्लिक बेट का मीनिंग, और ये जो क्लिक बेट का जो रहता है वो उसका आइडिया मुझे मेरे दोस्त संस्कार है, आप देखे होंगे वीडियो में, हाँ तो उसने ऑब्वियसली. दिया था, बोले ये वीडियो का टाइटल ये डाल, इससे व्यूज आएंगे। तो स्टार्टिंग में अपने को जरूरत पड़ती है कि व्यूज आने चाहिए, ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो तो व्यूज आने चाहिए। तो उस वीडियो से आए हैं मुझे आई थिंक सो 1100 या कुछ तो भी व्यूज आए हैं उसमें, तो वो थंबनेल के वजह से आए, और मैंने लिखा भी है वहाँ पे कि छोटा सा लिखा है बाजू में आप देखूंगे तो क्लिक बेट लिखा है मैंने थंबनेल में, तो वही है, मतलब क्लिक बेट करोगे तो व्यूज आते हैं, बट एकदम भी मत करो कि लोगों को लगे कि ये बस क्लिक बेट के थ्रू चलता है इसका धंधा, ऐसा नहीं है मतलब। तो अपराग, बस हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो कुछ लास्ट के क्वेश्चन जो मुझको आपको पूछने, कि इतने सारे जो आपने वीडियोस डाले, उसमें आपका फेवरेट ऐसा कौन सा वीडियो था? नहीं पता, नहीं पता, मतलब सारे फेवरेट वीडियो है आपके. ऑलमोस्ट सब फेवरेट। मैं सबसे ज्यादा जो लाइक किया हुआ वीडियो, जो लोगों को बहुत वो ज्यादा डॉली पसंद, वाला था, डॉली की टपरी, डॉली अभी अभी ऑब्वियसली. लेटेस्ट ही बनाया था मैंने, थोड़े एक आध महीना हुआ होगा उसको, तो वो वीडियो बनाया था, सब बना रहे थे इसलिए मैंने भी बना दिया, और उसपे अच्छे खासे व्यूज लाइक्स आए, तो देख के अच्छा लगा, और बहुत लोग सब्सक्राइब भी किए मुझे, तो मतलब ये इससे ये पता लगता है कि आप जो वीडियो बनाते हो वो फिर बाकी वो जो वीडियो देख के व्यूवर्स आए हैं वो बाकी भी वीडियो देखते हैं, तो वो अच्छा लगता है और उनको पसंद आता है, वो लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर कहीं ना ऑब्वियसली. कहीं पता लगता है कि जो काम कर रहा हूँ उसको और इम्प्रूव भी करूँगा और वो पसंद भी आ रहा है लोगों को, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर आप एक लास्ट सवाल, कि जितने भी यूट्यूब, बहुत लोग हैं जो यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी वीडियोस बनाना चाहते हैं, जी ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप अभी क्या मैसेज दोगे? जी तो उनके लिए 2 पॉइंट दूंगा, ठीक है, पहला ये है आप पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाई के साथ ये मत करना, मेरा एक्सपीरियंस है,
मेरे को अभी मुझे लगता है कि मेरे को कम परसेंट आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर यही पूछना चाहती हूँ कि जितने भी अभी यूट्यूब पे नए नए लोग जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें वीडियोस वगैरह बनाने हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? हाँ, तो पहला दो पॉइंट दूंगा, ठीक है। पहला, अपने एडिटिंग पे फोकस करो। ओके। बहुत लोग होते हैं, जान देना क्या फर्क पड़ता है, लोग देख लेंगे, ये नहीं। तुमको करना है सीरियसली, तुम अच्छा सा 100% दो अपना जो भी बना रहे हो। और ये जो लाइन है ये कैरी मिनाटी की एक्चुअली, और मैं बहुत इस पर भरोसा करता हूँ। हाँ, ये सही बात है, मतलब जो भी है वो 100% दो अपना, चाहे वो एडिटिंग में हो, चाहे वो आपका कंटेंट में हो। और दूसरा ये है कि जितना हो सके उतना एंटरटेनमेंट पे फोकस करो, व्लॉग्स के थ्रू कोई भी हो। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या बक बक कर रहा है, मतलब ये नहीं लगना चाहिए। और मीम्स डाल सकते हो आप बीच में, ये एडिटिंग के थोड़े से मैं बता रहा हूँ, मैं जो करता हूँ। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा सेशन हो वो पराग की स्टाइल में एंड हो, जिस तरीके से वो अपने व्लॉग्स एंड करता है। तो पराग, स्टार्ट। So as always, thank you viewers and listeners. I hope you will like this video. Don't forget to subscribe to this channel, BCN News and PMK Vlogs too. Thank you so much. So meet you in next vlog. Goodbye. Boom. Goodbye. Thank you.